हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं ब्रेड पकौड़ा। हम यहाँ पे लेंगे 4 आलू जिनको अच्छे से मैश कर लिया है, जिनको उबाल लिया था हमने। 2 हरी मिर्च लेंगे जिसको बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक काट लिया है, और हरा धनिया जिसको बारीक काट लिया है। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा आलू का जो मिश्रण है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम बेसन का घोल बनाने के लिए बेसन लेंगे। एक बाउल बेसन लिया है मैंने, चावल का आटा लिया है मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे। पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहें। अगर हम एक समय में ज्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है, जो घोल है, वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहें ताकि हमारा जो घोल है उसके अंदर गुठलियां ना बने। अगर आप इसको चम्मच की सहायता से ना बना पाए तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से बना सकते हैं। हमारा जो बेसन का घोल है वो अच्छे से बन गया है। हमारा बेसन का जो घोल है वो ना ज्यादा पतला रहे और ना ही ज्यादा गाढ़ा।
तो पानी थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहें और अच्छे से घोल बनाएं। हमारा घोल अच्छे से बन चुका है। अभी हम लेंगे ब्रेड की स्लाइस और इसके ऊपर ग्रीन चटनी फैला देंगे अच्छे से। हम इसको दो पीस में कट कर लेंगे। और एक स्लाइस पर हम आलू फैलाएंगे। आलू का मिश्रण अच्छे से फैलाने के बाद हम इसकी दूसरी स्लाइस से ढक देंगे। हमने अच्छे से ब्रेड के अंदर आलू को भर दिया है। हम एक और तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। स्लाइस लेंगे, ग्रीन चटनी को फैला देंगे। और आलू का मिश्रण लेंगे और पूरी स्लाइस के ऊपर अच्छे से हाथ से हम फैला देंगे। हम दूसरी स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी फैलाएंगे और इसको ढक देंगे अच्छे से और बीच में से कट कर लेंगे। हमने ब्रेड को कट कर लिया है और देखिए कितने अच्छे से ब्रेड पकौड़ा हमारा बन गया है। हमारा बेसन का जो घोल है अभी हम इसके अंदर इसको डिप करेंगे। वो डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तेल जो है वो अच्छे से हमारा गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म है, आप देख पा रहे होंगे।
इसको पलट पलट कर अच्छे से सेक लें। हम ब्रेड पकौड़ा तब तक सेकते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे, जब तक कि हमारे ब्रेड पकौड़े के अंदर गोल्डन कलर ना आ जाए। हम गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, हम मीडियम गैस की फ्लेम रखेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है वो अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है। दूसरी साइड से इसको और सेक लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए कितना गोल्डन कलर अच्छे से आ चुका है। हम इसको निकाल लेंगे, एक और स्लाइस लेंगे और उसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। हमारा तेल जो है वो सही से गर्म है, तो पहले हम एक तरफ से ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। ब्रेड पकौड़ा पलट पलट कर अच्छे से सेक लें। हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है और गोल्डन कलर का हो गया है, तो हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। ब्रेड पकौड़ा अच्छे से बन गया है, हम इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और कमेंट करें कि हमारा ब्रेड पकौड़ा कैसे बना। आप घर पर भी बनाकर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, बाय बाय।